जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सुफियान और स्वागत है आप सभी का टेक हेडलाइंस के एक नए एपिसोड में, जहां दोस्तों मैं आपको बहुत सारे अमेजिंग टेक न्यूज बताता हूं। आज तो दोस्तों बहुत सारे अच्छे टेक न्यूज आए हैं, जल्दी से आपको सब कुछ बताता हूं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्दी से हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिमाइंडर, अगर आप दोस्तों Vivo Y74s 5G के बारे में कुछ भी जानना चाहते हो तो आज सुबह अनबॉक्सिंग करके भी दिखाया हूँ, सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन किया हूँ, इंडियन अवेलेबिलिटी प्राइस स्पेसिफिकेशंस अगर आप नहीं देखे हो तो आई बटन पे दे देता हूँ, जल्दी जाके क्लिक करके देखो। ये कल लॉन्च हो गया था, आज सुबह डेडिकेटेड वीडियो बना दिया हूँ और आई बटन के सारे वीडियोस को चेकआउट करिएगा, बहुत अच्छे वीडियोस बनाता हूँ, आपको जरूर से पसंद आएंगे। चलिए दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले अपडेट के बारे में। सबसे पहला अपडेट आ रहा है Honor 60 सीरीज की तरफ से। Honor 60 सीरीज के स्मार्टफोन्स 1 दिसंबर को लॉन्च हो जाएंगे चाइना में। टेंशन मत लो, डेडिकेटेड वीडियो बना के सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, स्टे ट्यून करिएगा। मैं आपको कई बार बता चुका हूं, ये Honor 50 सीरीज के स्मार्टफोन्स के जैसे ही दिखाई देंगे, कुछ भी चेंजेस नहीं होगा, लेकिन आगे से आपको क्वाड कर्व डिस्प्ले देखने को मिलेगा जो बहुत ही अच्छी बात है, एंड कैमरास भी इसके बहुत ही धासू होंगे। थोड़े दिन का इंतजार कर लो, वीडियो मिल जाएगा, फिर आपको सब कुछ पता चल जाएगा। एंड और मैं आपको दोस्तों बात बताया था करीबन 2 हफ्ते पहले कि Honor 2022 में इंडिया में कमबैक करेगा, ऐसे ऐसे इन्फॉर्मेशन आ रहे हैं, तो चांसेस बहुत ही ज्यादा हैं कि इस बार आई होप सो अगर ऐसा हो गया तो मजा आ जाएगा कि Honor 60 सीरीज के स्मार्टफोन इंडिया में आ जाए। देखते हैं क्या होता, कुछ पता चलता तो बताता हूं मैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट आ रहा है OnePlus Buds Z2 की तरफ से। ये OnePlus के नए बजट कैटेगरी के TWS होने वाले हैं, बहुत ही जल्द दोस्तों ये दिसंबर के मंथ में इंडिया में लॉन्च हो जाएंगे, ऐसे ऐसे इन्फॉर्मेशन आ रहे हैं। इसका मतलब दोस्तों चांसेस बहुत ही ज्यादा है कि आपको दिसंबर में ही OnePlus 9RT देखने को मिल जाए इंडिया में, तो सिर्फ TWS को क्यों लॉन्च करेगा OnePlus, कुछ और को भी तो लॉन्च करेगा। अब देखते हैं, कुछ अगर पता चलेगा तो बताऊंगा मैं। वैसे अगला न्यूज OnePlus 9RT की तरफ से ही आ रहा है, अगले न्यूज को देखो। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट आ रहा है OnePlus RT की तरफ से। देखो यार, मैं आपको करीबन एक हफ्ते पहले बताया था कि OnePlus 9RT का जो इंडियन वेरिएंट है वो Google Play कंसोल लिस्टिंग पे लिस्ट हो चुका है, लेकिन उससे नाउ हट गया है, OnePlus RT बन के लॉन्च हुआ है। अब ये मिस्टेक था कि भाई ये रियलिटी में इंडिया में OnePlus RT बन के लॉन्च होगा, इसके बारे में तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन आप गूगल पे अगर OnePlus RT को सर्च करोगे तो Amazon के एड्स देखने को आपको मिलेंगे। देखो यार, वो बस एड्स हैं, आप उसको ऑफिशियल मत समझ लेना, प्रचार के लिए Amazon ऐसा करता है। इनफैक्ट अगर आप OnePlus 10 Pro को भी सर्च करोगे तो Amazon के एड्स आपको देखने को मिल जाएंगे, तो केवल वो प्रचार है, ठीक है ना। अब रहा सवाल कि OnePlus 9RT कब इंडिया में लॉन्च होगा, चांसेस बहुत ही ज्यादा है कि आपको दिसंबर एंड तक लॉन्च होता हुआ दिखाई दे दे, नहीं तो जनवरी तक जाएगा। अभी कुछ पुख्ता मतलब कि ऑथेंटिक स्ट्रांग ऐसे कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं आए हैं कि OnePlus 9RT इंडिया में कब लॉन्च हो सकता है। हालांकि वो ग्लोबल लॉन्च की तैयारी कर रहा है OnePlus, लेकिन इंडिया में कब आएगा किसी को कुछ नहीं मालूम है, सब अंदाजा ही लगा रहे हैं, जैसे कि मैं बोला दिसंबर एंड या फिर जनवरी तक, देखते हैं कुछ अगर पता चलेगा तो बताऊंगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट आ रहा है मोटोला G31 की तरफ से, यानी कि मोटो G31 की तरफ से। अभी ये 2 दिन पहले ही ग्लोबल मार्केट्स में लॉन्च हुआ था, लेकिन अब ये 29 तारीख को इंडिया में लॉन्च होने वाला है। 4+64GB का प्राइस होगा 13,500 रुपए। अच्छा स्मार्टफोन है, बहुत अच्छे स्पेक्स दे देता है, वीडियो भी बनाया था मैं, आई बटन पे दे देता हूँ, जल्दी जाके क्लिक करके देखो, आपको सब कुछ पता चल जाएगा G31 और G41 के बारे में, जल्दी जाओ देखो, बहुत मजा आएगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है यार, कल एयरटेल अपने सारे प्रीपेड प्लान्स के प्राइसेस को इंक्रीज कर दिया, तो आज वोडाफोन आइडिया भी कर दिए अपने सारे प्रीपेड प्लान्स के प्राइसेस को। यार कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों करते हो यार। अब देखना कल जियो भी कर देगा, कल परसों जियो भी अपने प्राइसेस को इंक्रीज करेगा ही करेगा, देख लेना, यही है हैप्पी न्यू ईयर ऑफर हम लोगों के लिए। वाह, हैप्पी न्यू ईयर में कितने अच्छे अच्छे नए नए ऑफर्स लेके आना चाहिए, नहीं हम तो प्राइसेस को इंक्रीज करेंगे ताकि और मुनाफा कमा सके हम लोग, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है यार, हम सबके लिए ये गलत हो रहा है। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट बहुत ही अच्छा है। देखो यार, जो जो लोग ऑफलाइन मार्केट से स्मार्टफोन्स को परचेज करते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी बात है। अगले साल के फर्स्ट क्वार्टर के एंड तक, यानी कि 2022 के मार्च अप्रैल के आसपास तक, आपको IQOO और POCO के भी स्टोर्स देखने को मिलेंगे ऑफलाइन मार्केट्स में। अब IQOO और POCO भी बहुत ही जल्द आपको अनाउंसमेंट करते हुए दिखाई देंगे कि हम ऑफलाइन मार्केट में अब उतर रहे हैं। वैसे रियलमी तो बहुत अच्छा अपना पंजा जमा के बैठा ऑफलाइन मार्केट में, उसके हर जगह आपको बहुत सारे स्टोर्स देखने को मिल जाएंगे, एंड Vivo के भी हैं, Oppo के भी हैं, एंड आपको Samsung के भी बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे, लेकिन अब IQOO और POCO भी आ रहे हैं। देखो यार, सबसे पहले ये दोस्तों जो बड़े-बड़े सिटीज हैं, मुंबई, दिल्ली और गुड़गांव, ऐसे-ऐसे बड़े-बड़े सिटीज में अपने स्टोर्स को ओपन करेंगे, फिर धीरे-धीरे वक्त के साथ-साथ ये पूरे इंडिया में अपने स्टोर्स को एक्सपैंड करते हुए जाएंगे। बहुत ही अच्छी बात है यार, हमारे लिए ही सहूलियत होगा। वैसे आप एक्साइटेड हो IQOO और POCO के लिए, कमेंट करके जल्दी से बताना, और ये भी बताओ कि आप ऑफलाइन मार्केट को प्रेफर करते हो कि ऑनलाइन मार्केट को,
ये भी कमेंट करके बताओ। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट आ रहा है नथिंग एयर वन TWS की तरफ से। मैं आपको बताया था ना करीबन दो हफ्ते पहले कि इसका ब्लैक कलर वेरिएंट आने वाला है, वो आपको बहुत ही जल्द अगले महीने के फर्स्ट वीक में लॉन्च होता हुआ दिखाई देगा इंडिया में। उसके इमेजेस आ चुके हैं, देख लो यार आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। अच्छी बात है यार, देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। वाकई में ये TWS बहुत ही अच्छे TWS है। अगर आप दोस्तों ब्लैक कलर का इंतजार कर रहे थे तो यार थोड़ा सा वेट कर लो, अब ज्यादा दिन दूर नहीं है। और हाँ दोस्तों एक और आपको अपडेट देना चाहता हूँ नथिंग में। दोस्तों करण जोहर सर, बियर बाइसेप्स यानी कि रणवीर अलाहाबादिया सर, वो बहुत बड़े यूट्यूबर है, वो जैसलीन रॉयल मैम ये बहुत अच्छी सिंगर है, और भी दोस्तों बहुत सारे लोग हैं जो नथिंग में इन्वेस्ट किए हैं, जो दोस्तों बहुत ही अच्छी बात है। नथिंग बहुत ही जल्दी जल्दी हम लोगों को अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कराएगा, एंड अच्छा लगा कि इंडिया से भी बहुत अच्छे अच्छे लोग यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट आ रहा है Qualcomm Snapdragon की तरफ से। आज ये दोनों भाई अलग अलग हो चुके हैं, Qualcomm अपने रास्ते, Snapdragon अपने रास्ते। मजाक कर रहा हूँ, ये दोनों ब्रांड अब अलग अलग हो गए हैं, अब दोनों इंडिपेंडेंट ब्रांड बन चुके हैं। वैसे Qualcomm तो इंडिपेंडेंट था ही, लेकिन अब Snapdragon Qualcomm से अलग हो गया, वो भी अब इंडिपेंडेंट ब्रांड बन चुका है। Qualcomm के अलग प्रोसेसर आएंगे, Snapdragon के अलग प्रोसेसर आएंगे। पूरी बात सुन लो, Snapdragon 8 जनरेशन 1 जो रहेगा वो Snapdragon के अंदर में आएगा। एंड अभी टेंशन मत लो, Qualcomm Snapdragon के दोनों की मिली हुई चिप्स आएंगे, प्रोसेसर्स आएंगे, लेकिन आपको वो बहुत कम दिखाई देंगे। जनरली आपको जितने भी प्रोसेसर्स आएंगे स्मार्टफोन्स के, वो स्नैपड्रैगन ही लॉन्च करता हुआ दिखाई देगा। एंड Qualcomm दोस्तों अब लैपटॉप पीसी के जो प्रोसेसर्स है उन पे फोकस करने जाएगा, एंड वो एप्पल से भिड़ेगा। वो Qualcomm का काम होगा और Snapdragon का काम होगा MediaTek से भिड़ना होगा। समझ गए ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? Qualcomm कंप्यूटर के प्रोसेसर्स को संभालेगा, Snapdragon स्मार्टफोन के प्रोसेसर्स को संभालेगा, बस यार यही है और क्या। और 8 जनरेशन 1 जो रहेगा ये नाम कंफर्म हो गया है। एंड अब से जितने भी प्रोसेसर्स आएंगे ज़्यादातर उनका नाम कुछ ऐसे ही रहेगा, काफ़ी सिंपल होगा ताकि कोई भी पब्लिक, मतलब कोई आम इंसान भी इसको समझ सके। 8 जनरेशन 1, 8 जनरेशन 2, 5 जनरेशन 1, 4 जनरेशन 1, समझ गए ना, ऐसे कुछ होगा। एंड आपको पुराने जैसे नाम वाले भी प्रोसेसर देखने को मिलेंगे जब Qualcomm Snapdragon एक होके एक प्रोसेसर को लॉन्च करेंगे। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट अपडेट नहीं है, मैं फिर से आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि Redmi Note 11 Pro और Redmi Note 11 Pro Plus, मैं आपको एक महीना पहले ही बताया था कि ये दोनों स्मार्टफोन्स आपको फर्स्ट क्वार्टर 2022 में ग्लोबली लॉन्च होते हुए दिखाई देंगे। यही सेम नाम के साथ वो लॉन्च होंगे, एंड देन उसके बाद वो इंडिया में आएंगे Xiaomi 11i और Xiaomi 11i हाइपर चार्ज के साथ, नाम के साथ। तो यार बस यही कुछ नए इन्फॉर्मेशन थे, पुराने इन्फॉर्मेशन थे वापस से याद दिला दिया आपको। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट आ रहा है Vivo Y76 5G की तरफ से। आज ये दोस्तों लॉन्च हो गया है मलेशिया में। इसका प्राइस जानते हो कितना है? 23,100 रुपए। भाई साहब ये तो Vivo का ही लीला है जो इतने अच्छे अच्छे प्राइस पे इतने अच्छे अच्छे वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन्स को लॉन्च कर देता है, वरना बाकी सारे ब्रांड्स कहाँ इतने अच्छे स्मार्टफोन्स को लॉन्च कर पाते हैं। साइड में सारे स्पेसिफिकेशंस तो आपको दिखाई दिया हूँ। बेसिकली दोस्तों जो Vivo Y76s 5G था ना, जो अभी दो हफ्ते पहले चाइना में लॉन्च हुआ था, वही मलेशिया में Vivo Y76 बन के लॉन्च हो गया है। एस को हटा दिया गया है, वीडियो बना दिया था मैं, आई बटन पे दे देता हूँ, जल्दी जाके क्लिक करके देखो, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट आ रहा है Xiaomi की तरफ से और Redmi की तरफ से। Xiaomi के दोस्तों कुछ नए स्मार्ट वॉचेस हैं जो इंडिया के BIS सर्टिफिकेशन को क्लियर कर गए हैं, और Redmi के दोस्तों एक नए TWS हैं जो BIS सर्टिफिकेशन को क्लियर कर चुके हैं। इसका मतलब Redmi और Xiaomi बहुत ही जल्द अपने नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च करेंगे इंडिया में। एंड 30 तारीख को Redmi Note 11T लॉन्च हो रहा है, क्या पता उसी दिन Redmi अपने कुछ और नए TWS को लॉन्च कर दे, कुछ भी पॉसिबल है। एंड दिसंबर में Xiaomi 11i, Xiaomi 11i हाइपर चार्ज लॉन्च हो रहे हैं, क्या पता उसी दिन Xiaomi अपने नए स्मार्ट वॉचेस को भी लॉन्च कर दे, पॉसिबल है बॉस, कुछ अगर पता चलेगा तो बताऊंगा ऐसे ही मैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट बहुत ही अच्छा है। देखो यार कल रात को मैं आपको Oppo Reno 7, 7 Pro, 7 SE इन तीनों स्मार्टफोन्स के बारे में सब कुछ बताया था, अनबॉक्सिंग तक दिखाया था, इंडियन अवेलेबिलिटी, प्राइस, स्पेसिफिकेशंस। अगर आई बटन पे वीडियो नहीं देखी हो जल्दी जाके क्लिक करके देखो, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। मैं कल बताया था आपको कि Oppo Reno 7 Pro और Oppo Reno 7 इन दोनों स्मार्टफोन्स में आपको जो 32 मेगापिक्सल का सेल्फी मिलता है वो Sony IMX709 के सेंसर के साथ आएगा, जो दोस्तों बहुत ही मस्त सेंसर है, हाल फिलहाल में ही लॉन्च हुआ है। सबसे पहले Oppo Reno 7 सीरीज के साथ डेब्यू करेगा। इसका नाम Oppo रख दिया पता है क्या? सुपर सेंसिटिव कैट आई लेंस, जो कैट की तरह दोस्तों रहेगा एकदम लेंस, रात को आपका जो फोटोग्राफी होगा एकदम चेंज कर देगा, रात को भी आपका सेल्फी एकदम मस्त आएंगे। RGBW सब पिक्सल अरेंजमेंट यहां पर आपको देखने को मिलेगा, जो दोस्तों एकदम नया टेक्नोलॉजी है, एंड आपके रात को फोटोज को कंप्लीटली चेंज कर देगा एकदम, बहुत ही अच्छे तरीके से आपके पिक्सल्स होंगे एंड बहुत ही अच्छे तरीके से आपको फोटो दिखाई देंगे। आई होप सो कि मैं आपको बहुत ज्यादा ज्ञान दे दिया हूँ, वीडियो जाके देखो और जल्दी जाओ, मजा आएगा आपको।
चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट आ रहा है टेक्नो स्पार्क 8T और टेक्नो स्पार्क गो 2022 की तरफ से। ये दोनों स्मार्टफोन बोलेवियन सर्टिफिकेशन को क्लियर कर गए हैं। बहुत ही जल्द दोस्तों आपको ये दिसंबर के मंथ में लॉन्च होते हुए दिखाई देंगे, कुछ पता चलेगा तो बताता रहूंगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट आ रहा है फिर से ओप्पो की तरफ से। ओप्पो दोस्तों 25 तारीख को अपने नए स्मार्ट टीवी को भी लॉन्च करेगा। ओप्पो टीवी R1 करके एक टीवी होगा जिसको वो लॉन्च कर देगा। देखते हैं किस प्राइस पे लॉन्च होता है, कुछ पता चलेगा तो बताऊंगा मैं, स्टे ट्यून करिएगा। अगर बात कर ले अगले अपडेट के बारे में, अगला अपडेट आ रहा है ओप्पो के रोबोट वैक्यूम क्लीनर की तरफ से। अब रियलमी का जब रोबोट वैक्यूम क्लीनर आ गया तो ओप्पो कैसे पीछे रहेगा। मैं आपको बहुत टाइम पहले बताया था कि 2022 के फर्स्ट क्वार्टर के आसपास जो ओप्पो है अपने बहुत सारे होम अप्लायंसेस AIOT प्रोडक्ट्स को लॉन्च करेगा, जैसे कि वैक्यूम क्लीनर हो गया, हैंडल्ड वैक्यूम क्लीनर हो गया, रोबोट वैक्यूम क्लीनर हो गया, यहाँ तक कि ओप्पो का AC, ओप्पो का वॉशिंग मशीन, ओप्पो का फ्रिज भी आएगा। बहुत सारे आपको चीज़ों के बारे में बताया था मैं, एंड 2022 में आप देख लेना ओप्पो अपने बहुत सारे होम अप्लायंसेस एंड AIOT प्रोडक्ट्स को लॉन्च करेगा जैसे रियलमी करता है। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट आ रहा है एप्पल की तरफ से। सुनोगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा। जो आईफोन्स होते हैं दोस्तों, सारे आईफोन जो होते हैं आज तक जितने भी लॉन्च हुए हैं, सब में आपको दोस्तों लाइटनिंग पोर्ट्स देखने को मिलते हैं। लेकिन दोस्तों आजकल तो टाइप सी का जमाना है, टाइप सी पोर्ट दिया करो, लेकिन एप्पल देता ही नहीं है। लेकिन अब आपको आईफोन 14 सीरीज में जो अगले साल लॉन्च होंगे अक्टूबर में, वहां पर आपको टाइप सी पोर्ट देखने को मिलेगा। अब बोलोगे सुफियान भाई ये कैसे हो गया, एप्पल तो करता नहीं है सब चीज, कैसे हो गया ये चीज। ये यूरोपियन गवर्नमेंट के वजह से हुआ है। यूरोप में दोस्तों ये लॉ अब मतलब एक तरह से आप कह सकते हो होने वाला है कि जितने भी स्मार्टफोन्स लॉन्च होंगे वो टाइप सी पोर्ट के साथ ही लॉन्च होंगे। ये कंपलसरी है कि भाई टाइप सी पोर्ट मांगता है बॉस स्मार्टफोन में। जितने भी वहां पर मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो भी स्मार्टफोन बनाएंगे वो टाइप सी पोर्ट के साथ ही लॉन्च करेंगे। तो एप्पल कैसे ये रिस्क ले सकता है, एप्पल भी अपने अपकमिंग आईफोन्स को टाइप सी पोर्ट के साथ ही लॉन्च करेगा। तो खुश हो जाओ यार, खुश हो जाओ, एंड आई होप सो कि जब बाहर वो आए ग्लोबली एंड इंडिया में तो टाइप सी पोर्ट के साथ ही आए। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट आ रहा है रियलमी माउस की तरफ से। आप ये अपडेट पक्का सुने होंगे, बहुत सारे आज बड़े यूट्यूबर्स बात कर रहे हैं रियलमी माउस के बारे में। एक्चुअली दोस्तों मैं आपको कई बार बता चुका हूँ यार, जो रियलमी का माउस है वो यूरोपियन मार्केट्स में करीबन एक महीने पहले लॉन्च हुआ था, वही इंडिया में आ जाएगा। प्राइस आपको 1000 रुपये के आसपास दिखाई देगा, बस यार और कुछ नहीं है। रियलमी का चूहा नहीं आ रहा है, कंप्यूटर का माउस आ रहा है। जस्ट बिकॉज रियलमी आउ है तो रियलमी माउस भी आ जाएगा, कैसा भाई यार। वैसे रियलमी का कोई भरोसा नहीं लेके आ सकता है। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट सुनोगे तो आप दोस्तों बहुत ही डर सकते हो, आप बहुत ही गुस्सा हो सकते हो। देखो यार जो इंस्टाग्राम है एंड जो फेसबुक मैसेंजर है, ये दोनों जो दोस्तों ऐप है मेटावर्स में अब एंट्री कर चुके हैं, जिसके चक्कर में आपका जो एंड टू एंड एनक्रिप्शन जो रहेगा ना वो अब खत्म हो गया है। 2023 तक आपको इन दोनों ऐप्स में एंड टू एंड एनक्रिप्शन देखने को नहीं मिलेगा। ये दोस्तों द वर्ज ये इन्फॉर्मेशन शेयर किए हैं, जो दोस्तों बहुत ही आप कह सकते हो खतरनाक इन्फॉर्मेशन है भाई। हमारे जो मैसेजेस होंगे वो तो कोई भी पढ़ लेगा यार, इनक्रिप्टेड रहेंगे ही नहीं। तो आपसे दोस्तों मैं यही उम्मीद करता हूँ, इंस्टाग्राम एंड जो फेसबुक मैसेंजर है, थोड़ा सा सोच समझ के अपने चीज़ों को शेयर करना एंड अपने मैसेजेस जो भी आपके काम होते हैं उसको थोड़ा सोच समझ के ही करना, क्योंकि अब एंड टू एंड इनक्रिप्शन तो खत्म हो गया। व्हाट्सएप पे तो एंड टू एंड एनक्रिप्शन है अभी तक, दवा जी भी बताए हैं, एंड आई होप सो कि आगे चल के ऐसा ना हो कि व्हाट्सएप से एंड टू एंड एनक्रिप्शन चला जाए। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट बहुत ही अच्छा है। अगला अपडेट आ रहा है पबजी न्यू स्टेट की तरफ से। जैसे कि आपको BGMI में एंटी चीट फीचर देखने को मिलता है ना, कि कोई अगर खिलाड़ी है जो प्लेयर है अगर वो चीटिंग कर रहा है तो उसका अकाउंट बैन हो जाएगा, गलत काम कर रहा है गेम के अंदर, मतलब कि गलत तरीके से किल्स ले ले रहा है, गाड़ी को हवा में उड़ा रहा है, वो सब काम समझ गए ना। तो वही दोस्तों जो अपडेट है अब से आपको पबजी न्यू स्टेट में भी देखने को मिल जाएगा, मिल गया है, जाके अपडेट कर लो, अपडेट हो जाएगा, आपका एंटी चीट जो फीचर है वो ऑन हो जाएगा। तो अब से जो भी दोस्तों चीटिंग वगैरह करेगा पबजी न्यू स्टेट में वो बैन हो जाएगा। एंड पबजी न्यू स्टेट दिन ब दिन अपने आप को इम्प्रूव कर रहा है, जितने भी बग्स और प्रॉब्लम्स हैं अपडेट वाइज फिक्स होते चले जा रहे हैं और गेम और भी स्टेबल होता जा रहा है। आप पबजी न्यू स्टेट खेले कि नहीं खेले मुझे कमेंट करके बताओ भाई, मैं तो खेल रहा हूँ, बहुत मजा आ रहा है। अगर आप खेलना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पर DM करो, मिल के एक साथ खेलेंगे। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट आ रहा है Vivo V23e 5G की तरफ से। आज ये दोस्तों थाईलैंड में लॉन्च हो चुका है, 8+128GB, जैसा कि मैं आपको कहा था इसका प्राइस होगा 30,000 रुपये के आसपास, 29,200 रुपये का ये दोस्तों लॉन्च हुआ है। अभी दोस्तों करीबन 2 हफ्ते पहले Vivo V23e 4G भी लॉन्च हुआ था थाईलैंड में, वीडियो भी बनाया था मैं, आई बटन पे दे देता हूँ, जल्दी जाके क्लिक करके देखो, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। और अगर आप Vivo V23e 5G के बारे में कुछ भी जानना चाहते हो तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, आई बटन पे दे देता हूँ, जल्दी जाके क्लिक करके देखो, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट आ रहा है OnePlus 10 Pro की तरफ से। OnePlus 10 Pro के एल्युमिनियम डमीज के लाइव इमेजेस आ चुके हैं, देख लो यार, आपको OnePlus 10 Pro वाकई में ऐसा ही दिखाई देगा। जो जो नए नए ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आ रहे हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ यार, ऑब्वियस ही बात है मेरा फर्ज है आपको बताना। तो देख लो यार OnePlus 10 Pro के डिजाइन आपको कुछ ऐसे ही दिखाई देंगे, क्योंकि इसी के थ्रू स्मार्टफोन के डिजाइन को क्रिएट किया जाता है फैक्ट्री में, समझ गए ना।
चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट बहुत ही अच्छा है। व्हाट्सएप दोस्तों iOS डिवाइसेस पे अभी बीटा टेस्टिंग कर रहा है, एक नए फीचर के बारे में मालूम चला है। जो आपके ऑडियो मैसेजेस होते हैं ना उस पे दोस्तों अब से आपको प्लेबैक स्पीड भी देखने को मिलेगा। मतलब कि देखते हो ना कोई कोई जो बंदे होते हैं बहुत ही लंबे वाले ऑडियो मैसेजेस सेंड कर देते हैं तो सुनने में बहुत टाइम लगता है, तो आप 2x 3x 1.5x वाली स्पीड को सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि आप यूट्यूब वीडियोस पे करते हो वैसे ही आपका तेज आवाज जो रहेगा काफी स्पीड में चलेगा। मतलब कि अभी से आपको बोल रहा है कल मैं समोसा खाने गया था, लाल चटनी मेरे पैंट में गिर गया था वगैरह वगैरह वगैरह, तो समझ गया ना, तो वो जो बात है वो बहुत ही स्पीड में चलेगा, समोसा विद लाल चटनी। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट आ रहा है OnePlus 10 Pro की तरफ से। OnePlus 10 Pro के कुछ नए स्पेसिफिकेशंस पता चले हैं, कुछ अपडेटेड स्पेसिफिकेशंस। मैं आपको साइड में दिखा रहा हूँ, देख लो यार, आपको शायद OnePlus 10 Pro में कुछ ऐसे ही स्पेसिफिकेशंस देखने को मिलेंगे। ये जो इन्फॉर्मेशन है 91 मोबाइल शेयर किए हैं और OnePlus 10 Pro के कुछ नए केसेस के रेंडर्स आ चुके हैं। वैसे मैं आपको कल के टेक न्यूज में केसेस के रेंडर्स दिखाया था लेकिन आज कुछ नए वाले आ गए हैं, वो भी मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। देख लो यार केस के रेंडर्स हैं, उसके साथ साथ स्मार्टफोन्स का भी अंदाजा लग जा रहा है कि भाई वाकई में OnePlus 10 Pro कैसा दिखाई देगा हम लोगों को। तो यार बस यही था अपडेट OnePlus 10 Pro की तरफ से। वैसे अगर आप OnePlus 10 Pro के बारे में कुछ और अगर जानना चाहते हो, इंडियन अवेलेबिलिटी, प्राइस वगैरह, आई बटन पे वीडियो दे देता हूँ, जल्दी जाके क्लिक करके देखो, आपको सब कुछ और अच्छे से पता चल जाएगा। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं फाइनल अपडेट के बारे में। फाइनल अपडेट आ रहा है 9to5 गूगल की तरफ से। 9to5 गूगल दोस्तों अब कुछ नए रिपोर्ट्स के साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। वो दोस्तों परसेंटेज बताएं कि अभी पूरे वर्ल्ड में जो एंड्रॉइड डिवाइसेस हैं उनमें कौन सा एंड्रॉइड वर्जन सबसे ज्यादा दोस्तों अभी चल रहा है। एंड्रॉइड 10 दोस्तों 24% के साथ दोस्तों अभी टॉप पे, एंड एंड्रॉइड 11 23% के साथ वो दोस्तों सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे एंड्रॉइड 9 है 18.2% के साथ, फिर एंड्रॉइड 7 है समथिंग 6.31% के साथ। वैसे आप कमेंट करके बताओ कि आपका जो एंड्रॉइड डिवाइस है वो कौन से एंड्रॉइड वर्जन पे रन कर रहा है। तो दोस्तों बस यही था फाइनल अपडेट। आई होप सो कि आपको आज का टेक न्यूज पसंद आया होगा। अगर आपको दोस्तों आज का टेक न्यूज पसंद आ गया तो इस वीडियो को तुरंत से लाइक कर दो, एम करते हैं 90 लाइक का, जल्दी से कर दो यार। और चैनल पे नए आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो और साइड के बेल आइकन को भी दबा दो। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो और मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि आपको कौन सा टेक न्यूज अच्छा लगा। और मैं भी आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस क्रिएट करता रहता हूं, रात को टेक न्यूज भी देता हूं, तो टेक न्यूज भी जरूर से देखा करो। और मैं मिलता हूं सभी से अगले और एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। हमेशा अपना ख्याल रखो, खुश रहो, चलो बाय। We're